गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने अपने जो पिछले लेक्चर था बीटा डीके के अंदर, हमने क्यूरी प्लॉट, फर्मी प्लॉट भी कहते हैं, क्यूरी प्लॉट भी दोनों दोनों नाम से फेमस है, उसके बारे में हमने अपने पढ़ा था। और हमने देखा कि जो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि से हम एंड पॉइंट एनर्जी के बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। आज हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में कर रहे हैं, एक फर्मी इंटरेक्शन और गैमो टेलर इंटरेक्शन, जिसको जीटी इंटरेक्शन के नाम से कहते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करना और इनके लिए सिलेक्शन रूल बनाना, ये हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी और बहुत काम के हैं। सारे हमारे जो अलाउड स्पेक्ट्रा है, स्पेशली ये अलाउड स्पेक्ट्रा के लिए बात करें, हम पूरी जो स्टडी करें, अब जो काम करेंगे अभी हाल फिलहाल, वो अलाउड स्पेक्ट्रा के लिए काम करेंगे। अलाउड स्पेक्ट्रा में हम जानते हैं कि वेव फंक्शन जो शाई ई और शाई न्यू था, ठीक है ना, वो कितने बराबर था, एक के बराबर था, ठीक है ना। ये हमारे पास ये है। एक जनरली कई बार बात आती है कि जो स्पिन के बारे में इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में भी एक छोटी सी बात है। हम जानते हैं जो बीटा डी के वीक इंटरेक्शन और ये स्पिन डिपेंडेंट भी होते हैं, ठीक है ना। तो इनिशियली ये माना गया कि भाई जो स्पिन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन निकले हैं, ठीक है ना, उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, एंटी पैरेलल भी होनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। ये एक जनरली इनिशियली माना गया। बाद में हमने इसमें कुछ चेंजेस करे, हमने कहा नहीं, स्पिन दोनों की पैरेलल भी हो सकती है, और जो पैरेलल स्पिन के केस होते हैं उसको हम बाइलेटरल बाइलिनियर फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो ये हम दो बेसिक कंसेप्ट को काम इनिशियली लेके चलेंगे, है ना, ये बात है। तो हम जानते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा स्पिन चेंज नहीं हो। इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप होती है या डाउन होती है, न्यूट्रिनो की भी स्पिन अप और डाउन हो सकती है। तो अगर हम बाय द वे वन को अप स्पिन कहें और टू को डाउन स्पिन कहें, तो हम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के चार पेयर बना सकते हैं, जो सकते हैं कैसे, शाई ई वन, शाई न्यू वन, पहला ये हो गया, दूसरा हो गया शाई ई टू, शाई न्यू वन, तीसरा हो जाएगा शाई ई वन और शाई न्यू टू, और चौथा हो जाएगा शाई ई वन वन क्या टू और शाई न्यू टू। तो ये चार तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि इन में दोनों में स्पिन दोनों की अप है, इन इसमें एक की अप है एक की डाउन है, दूसरे में चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन की डाउन है, इलेक्ट्रॉन की अप है, और न्यूट्रिनो की जो एंटी न्यूट्रिनो इसकी अप है डाउन है, और दोनों की इसमें क्या होगी, डाउन हो गई। तो ये चार कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसे ही चार कॉम्बिनेशन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए भी पॉसिबल है। तो चार कॉम्बिनेशन तो अपने पास ये हो गए, और चार कॉम्बिनेशन ऐसे ही किसके हो जाएंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हम क्या कर देंगे, शाई पी वन और शाई एन वन, शाई पी टू, शाई एन वन, शाई पी वन, शाई एन टू और शाई पी टू और शाई एन, ये चार कॉम्बिनेशन ये बन जाएंगे। और अब हमें पता है कि जो हमारा प्रोसेस है उसमें ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो चार तो ये कॉम्बिनेशन है, चार कॉम्बिनेशन ये, तो अगर हम इनको मिलाएं, इसका इनके साथ चारों के साथ कॉम्बिनेशन करें, फिर इसका इन चारों के साथ कॉम्बिनेशन करें, इसका चारों के साथ करें और इसका चारों के साथ करें, तो हम टोटल 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 16 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ठीक है ना, ये जिसमें कि पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। तो हमारा जो बेसिकली जो पार्ट है ना, वो 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास बन जाएंगे इनके मिला करके। पर हम ज़्यादातर ये देखा गया है कि अलाउड के अंदर फेवर्ड जो स्पेक्ट्रम होता है वो बाइलिनियर फॉर्म होता है। बाइलिनियर फॉर्म का मतलब है कि स्पिन का जो है दोनों की एक ही होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इस रेस्ट्रिक्शन को हम ध्यान में रखें तो ये जो 16 जो कॉम्बिनेशन बनाए, ठीक है ना, और तो इसमें से पेरिटी मतलब अंडर रिफ्लेक्शन कितने इनवेरिएंट रहते हैं,
तो ये देखा गया कि इन 16 में से केवल चार जो कॉम्बिनेशंस हैं वो स्पिन के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर इनवेरिएंट रहते हैं, ठीक है ना। तो वो हम उन चार स्पिन, चार जो फॉर्म है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। उसमें से जो चार की जो फॉर्म है, ठीक है ना, उनको हम अपन नोट डाउन करते हैं और फिर उनका हम डिटेल स्टडी करेंगे और उनसे हम सिलेक्शन रूल के बारे में निकालेंगे, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि आउट ऑफ द 16 ओनली 4 रिमेन इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन। दीज फॉर्म्स आर, वो कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। वो एक तो होगा शाई ई, शाई न्यू, और फिर होगा शाई ई और सिग्मा मैट्रिक्स में बीच में ला रहा हूँ, और शाई न्यू, ठीक है ना। देखिए ये तो इसमें कोई स्पिन ऑपरेटर नहीं है, मगर ये जो सिग्मा है वो एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम हम जानते हैं कि जहाँ एंगल आ गया, एंगुलर मोमेंटम, वहाँ स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी क्या करेगा, कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये जो सिग्मा म्यू है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की टर्म है, ठीक है ना। तो एक तो इसका कॉम्बिनेशन होगा और तीन कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको जो कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, इसके आगे सिग्मा लिख सकते हैं और समेशन 1, 2 और 3, समेशन ओवर क्या होगा, 3। तो अपने पास तीन हिस्से मिल गए और एक हिस्से मिल गया, ये चार करके काम में आएगा। अब अपने पास एक छोटी सी समझने की चीज़ है कि बहुत जो 11th में बेसिकली चीज आती है, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, एक होता है टेंसर, एक होता है सूडो स्केलर और एक होता है एक्चुअल वेक्टर, या सूडो वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास है। देखो जो स्केलर होता है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर पैरिटी, रिफ्लेक्शन में ये रहेगा, ठीक है ना। जो अपने पास वी है, वेक्टर, वेक्टर रिफ्लेक्शन में क्या करता है, साइन को चेंज कर देता है, ठीक है ना। अब जो यहाँ पे शूडो स्केलर और एक्सेल वेक्टर है, ये इनसे अपोजिट है, ये स्केलर है और ये शूडो स्केलर। तो ये ऐसी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जो रिफ्लेक्शन में क्या करेगी, स्केलर होते हुए भी क्या करेगी, साइन चेंज कर लेगी, ठीक है ना। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसी वेक्टर क्वांटिटी होगी जो कि रिफ्लेक्शन में साइन चेंज नहीं करेगी। तो अपने पास ये सारी की सारी चीज़ें काम की। तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, जे, अपन एंगुलर मोमेंटम को अगर अपन जे कहें तो अपने पास इसकी जो डेफिनेशन होती है आर क्रॉस पी, आर रिफ्लेक्शन में साइन चेंज करता है, जो पी मोमेंटम है ये भी रिफ्लेक्शन में साइन चेंज करता है। ये दोनों साइन चेंज करते हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो ये जे हो गया वो क्या हो गया, एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ये अपने को ध्यान रखते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन में साइन चेंज नहीं करते। तो जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी कि रिफ्लेक्शन में साइन चेंज नहीं होना चाहिए, वो कौन कौन से करते हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी करती है और एक कौन से करती है, एक्चुअल वेक्टर करती है, ठीक है ना। तो ये हम यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है ना। इसको कंसिडर करते हुए हम अपना नया हैमिल्टोनियन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जो नया हैमिल्टोनियन होगा वो इस प्रकार से होगा, उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूँ और फिर हम थोड़ा सा आगे उसके लिए सिलेक्शन रूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा हैमिल्टोनियन है वो ऐसा होगा, और किसका कॉम्बिनेशन होगा मैं बताता हूँ आपको, वो भी बताऊंगा, सारा कॉम्बिनेशन बताएंगे, ठीक है ना। तो ये जो हैमिल्टोनियन है वो आ जाएगा एच डैश एफ आई का होल स्क्वायर बराबर जी स्क्वायर, हमारा पहले पुराना था ही, और ये मॉड हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास जो टर्म आ रही है वो हम देख रहे हैं, ठीक है ना। ये आएगा शाई पी डेगा समेशन क्यू एन प्लस और शाई एन, ये छोटा सा ब्रैकेट में आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा शाई ई और शाई न्यू प्लस शाई पी समेशन क्यू एन, यहां पे अपने पास आ गए सिग्मा मैट्रिक्स, और क्या बन गया, शाई एन बन गया, ठीक है ना। ये एक टर्म होगी अपने पास, और दूसरी टर्म हो जाएगी शाई ई और सिग्मा म्यू और शाई न्यू,
ये हमारे पास हो गया, और इसका मॉड ले ले और इसका स्क्वायर कर ले। ये बेसिकली हमारे पास हैमिल्टोनियन की जो वैल्यू है, वो मैट्रिक्स एलिमेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है ना। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो क्वांटिटी है सिग्मा जिसमें आया हुआ शाई ई, ये कौन सी है, एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटी है, साइन चेंज नहीं करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास सारी सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर एक कह दूं, तो इसमें जो ये पहली नंबर की क्वांटिटी है जिसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज आ रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे कॉम्बिनेशन के इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो है जिनकी स्पिन क्या है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। और जबकि जो सेकेंड टर्म जो है इसके अंदर जो वो क्वांटिटीज आ रही हैं जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के हैं, ठीक है ना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का है, ये एंटी पैरेलल का है, ठीक है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है ना। अब हम आगे एक छोटा सा काम करते हैं कि मान लो किसी स्पेक्ट्रम में केवल फर्स्ट टर्म ही कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है ना, और सेकंड टर्म कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। तो फर्स्ट टर्म जिसमें केवल कंट्रीब्यूट कर रही है, सेकंड नहीं कर रही है, तो ये फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं फर्मी कंपोनेंट कहते हैं, और जो सेकंड टर्म है वो हम कहते हैं गैमोटेलर। तो ये जो फर्स्ट जो टर्म थी वो तो फर्मी नाम के साइंटिस्ट ने दी थी, और जो सेकेंड जो टर्म है वो गैमोटेलर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो ये जी टी इंटरेक्शन के कारण कराती है। तो जिस इंटरेक्शन में केवल ये होगा वो तो हो जाएगा फर्मी इंटरेक्शन, और जिसमें केवल सेकेंड टर्म होगी, ठीक है ना, वो कहलाएगा गैमोटेलर या जी टी इंटरेक्शन कहलाएगा, ठीक है ना। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जी टी इंटरेक्शन में क्या है, अपने पास स्पिन चेंजिंग ऑपरेटर भी है ना, और जबकि फर्मी इंटरेक्शन में स्पिन चेंजिंग ऑपरेटर नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम इनके बेस पर के ये बना सकते हैं, सिलेक्शन रूल बना सकते हैं। तो सिलेक्शन रूल अगर अपन देखें, पहला अपन करते हैं फॉर फर्मी इंटरेक्शन, देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो है स्पिन, स्पिन में चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि सारे जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोस निकले या एंटी न्यूट्रिनोस जो भी निकले वो जो से क्या है एंटी पैरेलल। तो इसको अपन अगर डेल्टा आई इज इक्वल टू कितना है, जीरो। और दूसरा क्या है, ये तो हो गया स्पिन का, और दूसरा क्या है पैरिटी का। क्योंकि इसमें पैरिटी कोई चेंजिंग ऑपरेटर है ही नहीं, ठीक है ना, इसलिए पैरिटी में क्या है, नो चेंज इन द पैरिटी, ठीक है ना। ये दो सिलेक्शन रूल किसके हैं, फर्मी इंटरेक्शन के हैं, ठीक है ना। अब एक इसमें ध्यान रखना है कि जो डेल्टा आई बराबर जीरो है, इसमें अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की अगर स्पिन जीरो है तो भी ये ट्रांजिशन अलाउड होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो जो फर्मी इंटरेक्शन होगा उसमें डेल्टा आई जीरो है, ठीक है ना, ये तो है ही है, मतलब वन से वन में आ जाए, टू से टू में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर इनिशियल जीरो हो और फाइनल भी जीरो हो, ठीक है ना, तो भी इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिलेक्शन रूल है, इसको मैं इक्वेशन नंबर दो कहूंगा, है ना, और ये भी अलाउड है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन अपन जी टी इंटरेक्शन के लिए, ठीक है ना। जी टी इंटरेक्शन में पेरिटी की अगर अपन बात करें तो हमने देखा कि जो सिग्मा हमारा क्या था, एंगुलर मोमेंटम था, और एंगुलर मोमेंटम को हमने देखा कि वो कैसा है, स्पिन चेंजिंग ऑपरेटर, वो रिफ्लेक्शन के चेंज नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि ये वो इस पेरिटी में इनवेरियंट है। तो इसका मतलब पेरिटी में इसमें भी क्या होगा, नो होगा, मतलब नो चेंज इन द पेरिटी, ये तो इसका ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉन और जो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो जो भी है इनमें मान लो इनिशियल और फाइनल स्टेट है, दोनों का पेयर है, दोनों पैरेलल निकल सकते हैं, दोनों के एंटी पैरेलल भी निकल सकते हैं, ठीक है ना, एक एक वन है, एक टू है, एक और टू और वन आ गया, ठीक है ना। तो उस केस को भी ध्यान में रखते हुए ये तीन तरह के हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, ठीक है ना। और तीनों के अंदर भी हम देखें तो एक के अंदर तो डेल्टा आई कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है,
एक में डेल्टा आई कितना हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, और एक में डेल्टा आई कितना हो सकता है, माइनस वन हो सकता है। ये तीन तरह की पॉसिबिलिटी है। तो हमारा इसके लिए जनरल रूल निकल गया कि डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो और प्लस माइनस वन। ये दो बेसिकली रूल डिसाइड हो गए किसके, हो गए जीटी इंटरेक्शन के, ठीक है ना। तो अगर हमें फर्मी इंटरेक्शन और जीटी इंटरेक्शन के बारे में बात करनी हो तो इनके जो सिलेक्शन रूल हुए वो इसका ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट ये रहा, है ना, यहाँ पे ए पार्ट ये रहा और बी पार्ट ये रहा, ठीक है ना। अब एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चूंकि जीटी इंटरेक्शन में एक ना एक स्पिन ऑपरेटर, मतलब डेल्टा आई कितना होना चाहिए, डेल्टा आई इसमें जीरो है, मगर इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेज जीरो टू जीरो अलाउड नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें टू और वन और वन और टू है, तो वो उसमें पॉसिबल नहीं होगा। तो ये तो नियम है, ठीक है ना। इसके साथ में लिख देते हैं बट आई आई इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू जीरो नॉट अलाउड। ये अपना क्या हो गया, फाइनली सिलेक्शन रूल हो गया, ठीक है ना। ये इसलिए हम कह सकते हैं अगर किसी इंटरेक्शन में डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो है और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का जो स्पिन है वो भी जीरो है, तो वो प्योर फर्मी होगा, ठीक है ना। तो फॉर प्योर फर्मी क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू जीरो, आई आई इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, एंड नो। ये प्योर फर्मी के लिए क्या हो गया, ये कंडीशन हो गई। और प्योर जीटी के लिए क्या हो जाएगी, प्योर जीटी में डेल्टा आई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, ठीक है ना। तो प्योर जीटी के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा आई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन एंड नो, ये दो कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर अपने को क्या मिल रहा है, मिक्स्ड ट्रांजिशन, मिक्स ट्रांजिशन के लिए क्या हो जाएगा, अपने पास डेल्टा आई इक्वल टू जीरो और प्लस माइनस वन, ठीक है ना, एंड नो, ये तो है ही है। और यहाँ पे आई आई इज नॉट इक्वल, आई आई इज इक्वल टू आई एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास क्या हो गया, ये केस हो गया। तो हम इन केसों को करके सारे के सारे अपने पास क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन रूल बन गए अपने पास। तो ये प्योर जीटी का हो गया, ये प्योर फर्मी का हो गया, और ये क्या हो गया, मिक्स ट्रांजिशन का हो गया, ठीक है ना, ये बात। तो ये सारे के सारे केसेस किसके हो गए, ये अपने इसके काम जीटी इंटरेक्शन और फर्मी इंटरेक्शन के सारे के सारे पोर्शन हो गए, है ना। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट एक टर्म है, स्पेशली काम आएगी, लॉग एफ टी के बारे में, जिसको कहते हैं कंपेरेटिव हाफ लाइफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बीटा डीके के केस में, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। आप इन सबको छोटे छोटे पीसेस के रूप में भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में, कंपटीशन में, हमारा जो एग्जामिनेशन होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी है, मिडिल क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। तो ये जैसे जीटी इंटरेक्शन, फर्मी इंटरेक्शन है ना, इनको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मिडिल टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में हम कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे आपके साथ में, जिसमें एग्जाम्पल को लेकर के हम काम करेंगे कि भाई आपको बताना होगा कि ये प्योर फर्मी है कि प्योर जीटी है, ये कौन सा ट्रांजिशन है, मिक्स ट्रांजिशन है, ये सारा का सारा। तो वो हम आपको सारे के सारे चीज़ करेंगे, पर एग्जाम्पल हम एक बाद में करेंगे, पहले नेक्स्ट अगले जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो मैंने आपको कहा कंपेरेटिव हाफ लाइफ, उसके बारे में बात करेंगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर को टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।